गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 का इंटीग्रल्स क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 2x माइनस 3 cos x प्लस 2 x। यहाँ पे ये दो तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो जो लगता है मैं दिखाता हूँ। तो टू देखो कॉन्स्टेंट टर्म है, टू को बाहर छोड़ते हैं, यहाँ हो जाएगा x dx माइनस 3 cos x, यहाँ पर हो जाएगा e to the power x। तो x का करने से क्या हो जाएगा, पावर यहाँ के पावर के साथ क्या होगा 1 8, मतलब यहाँ पर पावर है 1, तो हो जाएगा 2/2 x to the power 2, मतलब 1+1 मतलब 2 माइनस 3 cos x का क्या होगा, cos x का हो जाता है sin x, कहते हैं sin x प्लस e to the power x का क्या होगा, e to the power x ही होगा प्लस c, फिर ऐसे 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e to the power x प्लस c। ये है हम लोगों का 16 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब 17 देखते हैं, इसको भी कॉन्स्टेंट टर्म बाहर छोड़ते हैं, x स्क्वायर dx माइनस 3 sin x प्लस 5 x to the power half dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2, तो पावर के साथ 1 प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा x³/3 माइनस 3 sin x का क्या होता है cos x, माइनस cos x, तो लिखते हैं माइनस cos x प्लस 5/x², इसके साथ 1 ऐड करने से क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 3/2 प्लस c, तो लिखते हैं 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस cos x प्लस x³/3/2, साथ में ये 10 भी था 10/3 कंप्लीट। ये हम लोगों का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर, और ये होगा हम लोगों का होमवर्क। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे है, तो देखना जरूर, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, थैंक यू।